रेडियो बिंदास पर आपकी हमारी हम सब की हर समस्या का समाधान। कलेक्टर संवाद। श्रोताओं नमस्कार, ये है रेडियो बिंदास 91.2 FM। मैं हाजिर हूँ कलेक्टर संवाद का पहला ये अंक लेकर। स्वीकार कीजिए साहिबा का नमस्कार। श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि कलेक्टर संवाद कार्यक्रम में आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न, दिए गए सुझाव या आपकी जिज्ञासा हम पहुंचाएंगे सागर कलेक्टर महोदय तक। इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9302911960। ध्यान रहे साथियों कि आपकी बात जन उपयोगी हो। कोई भी व्यक्तिगत समस्या हम कार्यक्रम में शामिल नहीं कर पाएंगे। जनहित में पूछे गए सवाल ही रहेंगे इस कार्यक्रम का हिस्सा। और अब सागर कलेक्टर महोदय श्री दीपक सिंह जी हमारे बीच आ चुके हैं। आजकल फुर्सत कहाँ, वो इस कदर मशगूल हैं। तहे दिल से शुक्रिया उनके सिले आते तो हैं। व्यस्तता मजबूरियां पर भाव उनका देखिए, हाल अपना पूछने वो खुद चले आते तो हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर हमें सम्मान देने के लिए। सागर की पूरी जनता की ओर से आपको धन्यवाद। जी नमस्कार, थैंक यू। सर ये पहला प्रश्न हमारी ओर से है। एक बात जो चर्चा का विषय बनी हुई है, कुछ जनजातीय बंधुओं की मेहनत रंग लाई है और 500 एकड़ से ज्यादा बंजर भूमि उपजाऊ बनी है, ये कैसे संभव हुआ? प्रशासन इसमें क्या सहयोग कर रहा है या सहायता दे रहा है? सागर जिले में हमारा जो देवरी, केसली और रहली क्षेत्र है, यहाँ काफी बड़ी मात्रा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार जन निवास करते हैं। इनको शासन की जो योजना है जिसमें कि वन भूमि में अगर इनका पुराना कब्जा सिद्ध होता है तो इनको फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टे दिए जाते हैं। तो इस तरह के लगभग 500 किसानों को जो पट्टे यहाँ पर दिए गए थे उनको रोजगार गारंटी योजना के तहत उनको लैंड डेवलपमेंट के लिए हमने स्वीकृति दी थी और उनकी जो बंजर भूमि थी या जो कृषि योग्य भूमि नहीं थी, पथरीली जमीन थी, उसका लैंड डेवलपमेंट मुख्यमंत्री जय किसान योजना अंतर्गत कराया गया है। इसके साथ ही उनको कपिलधारा योजना अंतर्गत कुएं दिए गए हैं और खेत तालाब योजना अंतर्गत उनके खेतों में तालाब भी बनाए गए हैं और कृषि विभाग के द्वारा उनको बीज वितरण भी किया गया है जो काफी उन्नत किस्म के बीज हैं। इनको मुख्य रूप से दलहन, उड़द, अरहर, इसके अलावा तिलहन में तिली के भी बीज दिए गए हैं और मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि इस सीजन में लगभग 140 किसानों ने करीब 500 एकड़ जमीन पे बहुत ही अच्छी खेती करी है और उनके पास चूंकि सिंचाई के लिए भी उपयुक्त सुविधाएं हो गई हैं तो निश्चित रूप से ये जो लोग भूमिहीन थे और मजदूरी पर आश्रित थे अब जमीन का पट्टा मिलने के बाद और इरिगेशन की फैसिलिटी उपलब्ध होने के बाद ये कृषक बेहतर कृषक बन पाएंगे और इनका पलायन भी रुक सकेगा और इनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो पाएगी। बहुत खूब बहुत खूब। तो ये तो एक बड़ी खुशी की सर इसमें खबर थी जो हमारी शामिल हुई आज के इस अंक में। और अब एक जन उपयोगी प्रश्न जो कलेक्टर संवाद का हिस्सा बन रहा है वो ये है कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सर लोगों में एक भय व्याप्त है लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग बेहद लापरवाह हैं। सर ऊपर वाला ना करे मगर यदि कोई समस्या आती है तो हम जानना ये चाहते हैं कि क्या प्रशासन की तैयारी है इससे निपटने के लिए, क्या कदम उठाए जा रहे हैं? सर इस बारे में कुछ जानना चाहते हैं आपके मुख से। कोरोना से बचने के लिए एक जो प्रमुख हथियार है वो है वैक्सीनेशन और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 18 प्लस की जो हमारी पॉपुलेशन है हमारे जिले की वो लगभग 17 लाख है और इनमें से लगभग 50% लोगों का वैक्सीनेशन हमने करा लिया है और ये लगातार हमारा काम जारी है। दूसरा जो महत्वपूर्ण इसमें काम है वो है कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जिसमें मुख्य रूप से है मास्क पहनना, फिजिकल डिस्टेंस बनाए रखना और समय समय पर हाथ को धोते रहना। इसके लिए लगातार हम लोग आईसी एक्टिविटी चला रहे हैं और इसके साथ ही नगरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में अगर हमें कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है
जो बिना मास्क के अगर बाहर घूमते पाए जाते हैं तो उनके ऊपर हम फाइन भी करते हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि सागर जिले में अभी तक विभिन्न लोगों के ऊपर लगभग हम लोग 25 लाख रुपए से ज्यादा का फाइन कर चुके हैं, और इस राशि से हमने स्वसहायता समूह के माध्यम से मास्क बनवाए हैं, और ये मास्क हमने गरीबों के बीच निशुल्क भी बंटवाए हैं। बहुत तो इसमें मैं लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि बाहर जब भी निकलें तो मास्क जरूर लगाएं। अगली जो हमारी तैयारी है वो है हॉस्पिटल्स की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, और इसके साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो हमारे विकास खंड स्तर पे हैं, वहां पर हम एक तरफ तो आईसीयू के बेड्स बढ़ा रहे हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई पाइपलाइन के माध्यम से बेड तक हो इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। बीना में हमने 200 बेड का जो हॉस्पिटल तैयार किया है, जिसमें कि पाइपलाइन के माध्यम से ऑक्सीजन की सप्लाई है वो तो चल ही रहा है। इसके साथ ही बीना रिफाइनरी के सहयोग से वहां पर ऑक्सीजन गैस के बॉटलिंग प्लांट का भी काम हमारा बहुत तेजी से चल रहा है, जिसको कि राज्य शासन कर रहा है, और मैं समझता हूँ कि अगले 3 महीने में ये प्लांट भी बनके तैयार हो जाएगा। जिला अस्पताल में हमने एक 30-बेडेड आईसीयू नया तैयार करने की कार्यवाही शुरू कर ली है, और इसके साथ ही बच्चों का एक आईसीयू 10-बेडेड भी हम तैयार कर रहे हैं। अरे वाह। यहाँ पर जिला अस्पताल में लगभग 100 बेड हमारे पास ऐसे उपलब्ध होंगे जिसमें कि ऑक्सीजन की सप्लाई पाइपलाइन के माध्यम से होगी, और इसके साथ ही 40-बेडेड आईसीयू सामान्य लोगों के लिए और 10-बेडेड आईसीयू बच्चों के लिए भी हमारा रेडी हो जाएगा अगले 1 महीने में। जी जी। शासन ने यहाँ पर ऑक्सीजन एक प्लांट भी स्थापित करने का निर्णय लिया है, और मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि वो प्लांट भी गुजरात से यहाँ पर पहुंच चुका है और उसका इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है। जी जी। और मैं समझता हूँ कि 15 अगस्त तक वो ऑक्सीजन का प्लांट भी एस्टैब्लिश हो जाएगा। अच्छा। और ये ऑक्सीजन प्लांट इस तरह का है कि ये हवा लेके और उससे ऑक्सीजन बनाता है। अच्छा। और ये ऑक्सीजन फिर पाइपलाइन के माध्यम से मरीजों तक पहुंच पाती है। अच्छा। तो इस तरह की तैयारियां हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, बीएमसी में और सभी ब्लॉक लेवल हॉस्पिटल्स पे चल रही हैं। तो वैसे हमारा तो प्रयास यही है कि लोग इतनी सावधानी बरतें, इतना हम टीकाकरण कर पाए कि लोग इससे प्रभावित नहीं हो, लेकिन फिर भी सो कॉल्ड तीसरी लहर अगर आती है तो उसके लिए हमारी हॉस्पिटल्स की भी तैयारी बेहतर रहेगी। बहुत बढ़िया। तो सर ये तो आपने एक बड़ी हम लोगों को सुकून देने वाली बात की है कि तैयारी पूरी है, लेकिन साथ ही साथ हम अपने श्रोताओं से भी ये कहना चाहते हैं कि देखिए कलेक्टर महोदय खुद ही अपील कर रहे हैं कि सावधानी हम लोगों को बरतनी है, क्यों सामना करें हम तीसरी लहर का, क्या ही अच्छा हो कि हम सभी लोग सुरक्षित रहें। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सर आपने इतना समय हमारे कार्यक्रम में दिया, हमारी पूरी टीम की ओर से आपको कहते हैं धन्यवाद। धन्यवाद। जाने का तस्करा कुछ इस तरह से कीजिए, बस अभी पलट कर आते हैं कहकर इजाजत लीजिए, मुलाकात होगी अगले सप्ताह इसी कार्यक्रम में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए साहिबा को। इस कार्यक्रम का संयोजन साहिबा नासिर का और प्रस्तुति नासिर सिद्दीकी की थी। रेडियो बिंदास पर आपकी हमारी हम सब की हर समस्या का समाधान। कलेक्टर संवाद।